तो यहां पर आपने अनमार्क्ड यानी कि अचिन्हित आवेदन जान लिया, कौन सा है मार्क्ड यानी चिन्हित आवेदन समझ लिया, सुदृढ़ यानी फर्म एप्लीकेशन भी समझ लिया कि क्या होता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसकी प्रॉब्लम किस प्रकार से हमारे सामने आएगी और हम कैसे नेट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरराइटिंग की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अंडरराइटिंग यानी अभिगोपन, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। इस चैप्टर के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है अंडरराइटिंग, जिसे हम अभिगोपन के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये इंग्लिश में अंडरराइटिंग और हिंदी में अभिगोपन के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये पार्ट हमारा सेकेंड है, इससे पहले भाग में हमने इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आपके सामने रखा था और उसमें हमने कहा था कि हम सेकेंड पार्ट में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, इसमें किस अंडर राइटर को कितना शेयर लेना पड़ेगा उसके बारे में बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2001, इट इशूड ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द होल इशू वॉज फुली अंडर रिटन बाई ए बी एंड सी एज फॉलोज, ए 20,000, बी 12,000, सी 8,000 शेयर्स, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 32,000 शेयर्स ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशंस वेयर एज फॉलोज, ए 50,000, 15,000, बी 5,800 और सी 8,600 शेयर्स। फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चलता है कि एक कंपनी है जिसे 40,000 शेयर अपने बेचने हैं, वो शेयर ₹10 का है और इस शेयर को बेचने की जिम्मेदारी ए बी और सी को दिया गया है, जिसमें ए से कहा गया भाई तुम 20,000 शेयर बेचो, बी दूसरे अंडरराइटर हैं वो 12,000 शेयर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो सी हैं वो 8,000 की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो 32,000 यानी 32,000 शेयर का एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन यानी इनके नाम के जो शेयर बिके हैं उनको हम मार्क्ड एप्लीकेशन कहेंगे, वो है 15,058,600। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनी के जो शेयर बिके हैं उसमें से कितने शेयर इन लोगों को लेने पड़ेंगे। ये तो आप साफ देख रहे हैं कि 40,000 शेयर बेचना है, 32,000 की टोटल एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब साफ है कि 8,000 शेयर नहीं बिक पाए हैं। अब वो 8,000 शेयर इसमें से ए बी सी किसको कितना शेयर लेना पड़ेगा यही हमें पता लगाना है। सबसे पहले आप इसके नियम को ध्यान से समझेंगे, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर होने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। इसको लिखने के बाद पार्टिकुलर्स ए बी और सी यहाँ ग्रॉस लाइबिलिटी लिखेंगे यानी कितना शेयर इनको शुरू में दिया गया बेचने के लिए। तो 20,000 शेयर इनको दिए गए, 12,000 शेयर यानी 12,000 शेयर इनको दिए गए और 8,000 शेयर इनको दिए गए। इसमें से सबसे पहले नंबर पर
हम मार्क्ड एप्लीकेशन घटाते हैं। मार्क्ड का मतलब होता है जो इनके नाम के शेयर बिके हैं, जिन पर इन लोगों के मुहर लगी हुई है। ये ध्यान रखना है कि मार्क्ड अनमार्क फर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ है, उसका जो है अवलोकन आप जरूर करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे। मार्क एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है। मार्क एप्लीकेशन 15,58,86,000 ये लिखा हुआ है मार्क एप्लीकेशन, इसको हमें माइनस करना होगा। तो 15,000 तो इनके शेयर बिके हैं ए के, और इनके बिके हैं 5,800, और इनके बिके हैं 8,600, इनके नाम के ज़्यादा शेयर बिक गए हैं। अब हम देखेंगे बैलेंस में किसके कितने बचे। इनके बचे हैं 5,000 शेयर जो बिकने चाहिए थे, अभी नहीं बिक पाए। इनके जो बचे हैं वो बचेंगे 6,200, नहीं बिके। इनके ज़्यादा बिक गए हैं, इनका 600 जो है माइनस में यानी सरप्लस हो गया। इस सरप्लस का फ़ायदा इन दोनों को देंगे। उससे पहले हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन घटाना होगा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन उसको कहते हैं जिस पर किसी की मुहर नहीं लगी होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अनमार्क्ड है कितना, तो क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है टोटल एप्लीकेशन 32,000 का है, इसमें से मार्क्ड यानी जो इन लोगों के नाम के एप्लीकेशन है 15,000 और 5,800, तो 20,800, 20 और 8 28 एक 29,400 शेयर इनके नाम के बिक चुके हैं, यानी 32,000 में से 29,400 शेयर इनके नाम के हैं। तो जो शेयर एक्स्ट्रा अब बच रहा है वह शेयर अनमार्क होगा, यानी किसी के नाम की मुहर जिस पे नहीं लगी होती है उसको अनमार्क कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 32,000 में से इन सभी शेयर्स को जो मार्क वाले हैं उनको माइनस कर देंगे। अगर हम 32,000 में से मार्क वालों को घटा देंगे तो जो बचेगा उसको हम अनमार्क की श्रेणी में डाल देंगे और उसका बेनिफिट सभी लोगों को इक्वली देंगे। तो हमारे पास है 32,000 शेयर जो कि टोटल है, इसमें से 15,000 और 5,000 20,800 तो ये माइनस कर दीजिए, उसके बाद 8,600 ये माइनस कीजिए, अब बचे 2,600। ये 2,600 दोबारा से अनमार्क वाले सभी लोगों में बटेंगे इस रेशो में, 20,000 है तो 20 ले लेंगे, 12,000 है तो 12 ले लेंगे, 8,000 है तो 8, यानी 20, 12, 8 के रेशो में 20 यानी 20, 12 और 8 के रेशो में हम अनमार्क जो आया हुआ है उसको हम यहाँ पर घटा देंगे। तो अब हमारा अनमार्क था कितना, हमने 32,000 में से मार्क वालों को घटाया था, एक तो 15,000 घटाया था, एक 5,800 घटाया था और एक 8,600 घटाया था। तो हमें 2,600 अनमार्क को इसी रेशो में बांटना होगा। तो 2,600 इंटू यानी गुणा करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे इसके टोटल से, इसका टोटल है 40, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40 ये आया 1,300। तो 1,300 यहाँ से माइनस करेंगे, उसके बाद 2,600 इंटू 12 अपॉन 40 तो यहाँ घटाएंगे हम 780, इसके बाद 2,600 इंटू 8 यानी 8 अपॉन 40 यहाँ घटाएंगे 520। इसको घटाने के बाद देखते हैं अब कितना बचता है किसका हिस्सा। इसका तो है 3,700, इनका बचेगा माइनस कर देंगे तो 4
और 5,420। इनका इसमें से इसको घटाना, ये ऑलरेडी माइनस में है तो 1,120 माइनस का। अब इसका बेनिफिट हमें इन दोनों को देना है क्योंकि ये इनके एक्स्ट्रा बिके हैं, तो इनके एक्स्ट्रा बिके हैं तो इसका फ़ायदा इन दोनों को देंगे इनके रेशो में, 20 और 12 के रेशो में। तो ये सरप्लस है मिस्टर सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस सरप्लस ऑफ सी, रेशो होगा 20 और 12 यानी 12 और ये 12 और 20, इस रेशो में ए और बी को इसका बेनिफिट देंगे। तो 1120 में से 1120 ख़त्म हो जाएगा माइनस का, लेस कर देंगे तो ये तो हो गया निल। अब इसका बेनिफिट हमें इन दोनों को देना है, 20 और 12 का टोटल होता है 32, 32 तो 20 अपॉन 32 और 1120 से मल्टीप्लाई, तो 1120 इंटू 20 अपॉन 32 तो यह है 700। तो यहाँ लिखेंगे 700 और 1120 इंटू 12 अपॉन 32 420, तो यहाँ से माइनस होगा 420। अब इसको जो शेयर लेना पड़ेगा, नेट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो निकल के यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर इसके 3000 शेयर्स इसको लेना होगा और इसको 5000 शेयर्स लेना होगा, यही इनकी नेट लायबिलिटी है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आंसर मिलाते हैं, चेक करते हैं तो पता चलता है ए को 3000, बी को 5000 और सी को निल लेना पड़ा। तो ये स्क्रीन पर आपके आंसर है 3000, 5000 और निल। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका स्टेप आपने ध्यान से देख लिया होगा, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन घटाएंगे जो इनके नाम का है, बैलेंस जो बचेगा उसमें से हम अनमार्क को घटाएंगे, उसके बाद देखेंगे किसी का सरप्लस है यानी किसी का माइनस में अगर आ रहा है तो उसका बेनिफिट हम बचे हुए लोगों को उनके रेशो में देंगे। तो उनके रेशो में घटाने के बाद जो बचेगा वो नेट लायबिलिटी होगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, दोनों भाषाओं में जिस भाषा का आपको समझ में आता है क्वेश्चन आप उसी भाषा में पढ़ के सॉल्व कीजिए, हालांकि इंग्लिश वाले में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, कोशिश कीजिए। ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे कंपनी का है 80,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का है। कंपनी पूरे कैपिटल को बेचना चाह रही है यानी पूरे शेयर कैपिटल को चाहती है और पूरे 80,000 शेयर को इन्होंने ए बी सी डी ई एफ 6 अंडरराइटरों को बेचने के लिए अपॉइंट किया है। एप्लीकेशन 16,000 रुपये का है जो कि नॉट मार्क यानी अनमार्क है ये, और जो मार्क एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 10,000, 20,000, 8,000, 8,000, 6,000 और निल। एफ का तो एक भी शेयर नहीं बिका है। फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर यानी ईच अंडरराइटर, तो यहाँ पर ये सभी एक प्रकार से पार्टनर का काम कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग मिल करके इस कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का काम नहीं हो रहा है, कंपनी शेयर बिकवा रही है, ये लोग अंडरराइटिंग है, अंडरराइटिंग का काम कर रहे हैं यानी कमीशन पर शेयर बेचने का काम कर रहे हैं। अगर शेयर नहीं बिकेगा तो वह शेयर इनको खुद ही लेना पड़ेगा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटरों में होती है। अब ये देखना है कि किसको कितना शेयर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम ग्रॉस लायबिलिटी को लिखेंगे, 24,000, 20,000, 16,000, 6,000, 12,000, 2,000, तो हमारा स्टेप यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी या लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स।
यहाँ पर 6 अंडरराइटर हैं, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले हम उनका ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे, 24,000, 20,000, 16,000, 6,000, 12,000, 2,000, जो कि हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा दिया है। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद मार्क एप्लीकेशन 10,000, 20,000, 8,000, इनको घटाएंगे 10,000, 20,000 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 8,000, ये रहा 8,000, 6,000, निल, 6,000 और निल। तो इस प्रकार से अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ 14,000, यहाँ निल, और यहाँ 8,000, यहाँ पर 2,000 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 8,000 ज़्यादा है और 6,000 कम है। यहाँ 12 में से 6 को घटाएंगे, 6,000 आएगा। यहाँ तो इनका शेयर ही नहीं बिका है, पूरे 2,000 इनको लेने पड़ेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो बैलेंसिंग हमारा हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप होता अनमार्क एप्लीकेशन को घटाने का। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अनमार्क जो है वो 16,000 शेयर का है। इसको हमें इनके रेशो में, जो इनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है 24 है, तो 24,000 में 24 लेंगे, सबके बराबर के जीरो काट के हम रेशो बना लेंगे, तो सब में 3-3 जीरो बड़े आसान से कट जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर 2,000 में 2 लेंगे, 12,000 में 12 लेंगे, यहाँ 6,000 में 6 लेंगे, 16,000 में 16 लेंगे, 20 में 20 लेंगे, और 24 में 24, यानी 24, 20, 16, 6, 12 और 2, यही रेशो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 24, 20, 16, 6, 12 और 2। हम इस रेशो में अनमार्क यानी 16,000 को बांटेंगे, तो 16,000 को अगर आप बांटेंगे तो 16,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, इंटू 24 डिवाइड करेंगे इसके टोटल से, इनका टोटल 80 है यानी 80 होगा, तो इसको हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4,800, इसी को यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर हम 16,000 जो अनमार्क है उसको इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से जो इनका टोटल है उससे हम डिवाइड करेंगे, या 4,000, तो फिर यहाँ लिखेंगे 4,000। इसी प्रकार से 16,000 इंटू 16 अपॉन 80 करेंगे तो यहाँ पर 3,200 आएगा, ऐसे ही 6 अपॉन 80 करेंगे तो 1,200 आएगा, 12 अपॉन 80 यानी कि 12/80 करेंगे तो 2,400 आएगा, और लास्ट का 400 आएगा। इन्हें हम घटाएंगे तो यहाँ 1,600, इसमें यहाँ 3,600 यानी 3,600, यहाँ पर 3,200 आएगा, क्योंकि 2,000 में से इसको घटाना ही ऑलरेडी माइनस में है, तो दोनों जुड़ करके 3,200 यानी 3,200 हो जाएंगे। और यहाँ पर 8,000 में से 3,200 घटाएंगे, 4,800 आएगा, यहाँ पर ये भी माइनस में आएगा, और 14,000 में से 4,800 को घटाएंगे, 9,200 यहाँ पर बैलेंस आएगा, और यहाँ 4,000 का माइनस में है, और यहाँ पर 4,800 ये तो माइनस में नहीं है, ये दो माइनस में है, यानी ये सरप्लस है, एक तो ये सरप्लस है बी का 4,000 का, और यहाँ पर डी का सरप्लस है 3,200 का। तो अब हमें अगले स्टेप में सरप्लस ऑफ बी एंड डी, इन दोनों के सरप्लस को घटाना है। तो जब आप सोच रहे हैं बी और डी के सरप्लस है तो ए और बी, तो बी का सरप्लस है तो हम इसके रेशो में नहीं बांटेंगे, अब हम बांटेंगे 24 में, यानी कि 24 इसको तो हमें बांटना है इसलिए इसको देना नहीं है, इसका सरप्लस है इसको नहीं देंगे, इससे लेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, और डी में से इसको माइनस करेंगे, और ये दोनों 7,200 यानी 7,200 है, इसको हम इस रेशो में बांटेंगे जो जो बचे हुए हैं, बचा कौन है, बी और डी को छोड़ देंगे तो ए सी ई और एफ, यानी इनका 24 है 24 लेंगे, और इनका 16 है तो इनका 16 लेंगे, इनका 12 लेंगे और इनका लेंगे 2। तो इनका जो टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक का ये 54 होता है, और हमारा जो सरप्लस है 4,000 और 3,200 मिला के 7,200 होता है, 7,200। 7,200 को इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी
7200 इंटू 24 से मल्टीप्लाई और इसका टोटल है 54, उससे डिवाइड करेंगे इंटू 24 डिवाइडेड बाई 54, तो ये आ गया 3200। यहाँ लिखेंगे 3200। दोबारा फिर हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई और 54 से डिवाइड उसी 7200 में, 7200 इंटू दोबारा से 16 से मल्टीप्लाई और 54 से डिवाइड, तो ये आ गया 2133। यहाँ लिखेंगे 2133। इसके बाद अगला है 12 अपॉन 54, 7200 इंटू 12 अपॉन 54, ये आ गया 1600। तो ये रहा 1600, इसको तो हम बांट रहे हैं, इसमें से इसे घटा के इसे नील कर देंगे, इसको बांट रहे हैं तो इसको घटा के नील कर देंगे, यानी ये 4000 और 3200 यही 7200 है, इसी को ही हम बांट रहे हैं। फिर 7200 इंटू 2 अपॉन 54, तो ये 2 अपॉन 54 ये आ गया 266.67, तो 267 यानी 267 कर देंगे अप्रोक्स में, तो ये रहा। इसमें से इसको घटाने पर 1333, तो यहाँ पर 1333 यानी कि 1333 एफ को शेयर लेने पड़ेंगे और ई को 2000 लेने पड़ेंगे और डी को नील, सी को 2667 और बी को नील और ए को 6000। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं, चेक करते हैं किसका कितना आंसर आया। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर है यहाँ 6000 नील 2667, 6000 नील 2667। इसके बाद अगला आंसर चेक होगा नील 2333, नील 2333। इसका मतलब साफ है कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड अंडरराइटिंग का समझ लिया है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश की है कि भाई आपकी समझ में आ जाए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आपकी और हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जाहिर है कि हम अगली ही प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस तरह से लेंगे, और इसके फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें हमने थ्योरेटिकल फर्म एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, इनको हिंदी में क्या कहते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है और इसका मतलब क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ पर जानकारी दी है। तो पार्ट फर्स्ट अंडरराइटिंग धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर ज़रूर देखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि आपको कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियो की अपडेट्स हम इस पर कंटिन्यू दे रहे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे, एक नया टॉपिक होगा और एक नई चीज़ होगी और फिर आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।